सुबह ठीक 9 बज रहा है। पेंगोंग को अलविदा करके हम लोग वापस ले जा रहे हैं चांगला पास होते हुए। वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ से चलने से पहले पता चला कि चांगला पास में काफ़ी भारी बर्फबारी हो रहा है। ये बात जानने के बाद खुश होने के साथ साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होगा तो आगे का रास्ता बंद भी हो सकता है। हमें ले पहुंचने के लिए 160 किलोमीटर रास्ता चलना होगा। पेंगोंग से निकलते ही दूर पहाड़ के ऊपर बादल छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अच्छी धूप खिली हुई है। हम लोग दुर्भुग पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ से बाई ओर का टर्न लेते हुए चांगला पास होकर ले चले जाएंगे। लग रहा था बिल्कुल ऊपर जाने के बाद और भी ज़्यादा मिलेगा बर्फबारी, तो यहाँ तो अभी हल्का ही है। तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, स्नो हो रही है। हमने खरदुंगा में मिस करी स्नो, तो यहाँ पर चांगला में मिल गई।
स्विट्जरलैंड एंड इंडिया हो गया हमारे लिए तो अभी बढ़िया है। अब भी कुछ बोलिए। बढ़िया है, पूरा मजा लिया, स्नो का मजा लिया हम लोगों ने, तो फाइटिंग भी कर ली हम लोगों ने यहाँ पे। चांगला पास दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास, जो कि पेंगोंग सो झील के प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। यह स्थल समुद्र तल से 5,360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान चांगला बाबा नामक एक प्रसिद्ध संत के नाम से पड़ा है।